वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। बीते कई दिनों से सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव जैसे हालात हैं। ऐसे में चीन के साथ इस तनातनी के बीच पीएम मोदी ने NSA अजीत डोभाल और CDS जनरल बिपिन रावत से मौजूदा हालात की जानकारी ली। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग की थी। इस घटनाक्रम के बाद जानकारों का कहना है कि यह इस बात का संकेत है कि लद्दाख या LAC पर हालात सामान्य नहीं है। तो आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कैसे चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ा, साथ ही साथ मौजूदा हालातों से कैसे निपटेगी मोदी सरकार और अब तक इस मामले में क्या क्या हो चुका है। दरअसल भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव की शुरुआत 5 मई को पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के पास शुरू हुई थी। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों को इस दौरान गश्त करने से रोका गया, साथ ही साथ सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद दोनों तरफ के सैनिकों में हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद 9 मई को उत्तर सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान लगभग 150 सैनिक शामिल थे। दोनों तरफ के लगभग दर्जन भर सैनिक घायल भी हो गए। खबरों के मुताबिक इन घटनाओं के कुछ समय बाद ही चीन ने पेंगोंग तोसो झील और गैलवान घाटी, डेम चौक, दौलत बेग उल्टी जैसे क्षेत्रों में गश्त लगानी तेज कर दी। अभी LAC में जिन चार जगहों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, उनमें से गैलवान घाटी में सबसे ज्यादा तनाव की बात कही जा रही है। यहाँ चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए हैं और वहाँ आकर बंकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि गैलवान घाटी में भारत दौलत बेग उल्टी स्थित भारत के एक महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डे तक सड़क बना रहा है और चीन इसमें खलल पैदा करने की लगातार कोशिश भी कर रहा है, जिसके चलते दोनों सेनाओं के बीच मौजूदा समय में टकराव काफी हद तक बढ़ चुका है। इस टकराव के बीच मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल और CDS जनरल बिपिन रावत के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग की, जिसमें उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया गया। खबर है कि इस बैठक में यह तय हुआ है कि भारत LAC की यथास्थिति में कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं करेगा और संयम और मजबूती के साथ हर स्थिति का सामना करेगा। साथ ही साथ लद्दाख में भारतीय सेना डटी रहेगी और चीन के साथ सीमा पर बन रही सभी 61 सड़कों का निर्माण कार्य भी जारी रहेगा। इसके अलावा तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी पीएम मोदी को सौंप दिया है। मतलब साफ है, भारत 3500 किलोमीटर लंबी सीमा पर ना तो अपनी परियोजनाओं को रोकेगा और ना ही चीन को यथास्थिति में बदलाव करने देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही सेना के टॉप अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं कि किसी भी परियोजना को, जो कि सिक्किम, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में चल रही है, उसकी कोई भी समीक्षा की जरूरत नहीं है। वहीं इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इन हालातों में तनाव को और बढ़ाने वाला बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिन चीनी सेना की एक बैठक में हिस्सा लेते हुए जिनपिंग ने कहा कि सेना को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने सेना को ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी बढ़ाने को भी कहा है। जाहिर है, मौजूदा हालातों में चीनी राष्ट्रपति का ऐसा बयान तनाव और बढ़ा सकता है। उधर चीनी हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ साथ उत्तर सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में भी चीन के साथ लगी सीमा पर अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। मतलब साफ है, चीन के आक्रामक सैन्य रवैये के सामने भारत अपनी तैनाती को कम नहीं करेगा, बल्कि सीमा पर वह डटकर चुनौतियों का सामना करेगा। बताया जा रहा है कि लद्दाख में भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच कम से कम 6 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन एक भी वार्ता सफल नहीं हुई है। 3 जगहों पर LAC पार करने वाले चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र से बाहर जाने या तनाव को कम करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में मौजूदा हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। गौरतलब है कि चीन अब तक सीमाई इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार करता आया है। दूसरी तरफ भारत भी अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है और सड़क व एयरबेस जैसी कई रणनीतिक परियोजनाओं पर काम करने लगा है। फॉरवर्ड एरिया में सैनिकों और युद्ध सामग्री की तेजी से मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ सालों से भारत ने सीमा पर धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार सुधार किया है और यही बात चीन को रास नहीं आ रही है। जानकार मौजूदा गतिरोध और तनाव की असली वजह भी इसी को मानते हैं।
तो ये थी भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध पर हमारी यह रिपोर्ट। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।